तो दोस्तों ये है अस्का रेसिपी। मैं ये बगल जो है मैं अभी ये सिल लूँगी। यही सिल कर रही हूँ मैं गर्म पानी, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में पूरा ये ऐसे जलाऊंगी। और टमाटो दूंगी और मिर्ची दूंगी, ऐसे खाएंगे खाएंगे एकदम मजा आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी को और एक नया ब्लॉग में। आज मैं ड्यूटी में गया, सुबह ड्यूटी में सुबह जाके 100 बजे रूम में पहुंच गया। गाइस मैं अभी भी यूनिफॉर्म में हूँ, ड्यूटी का फॉर्म में। हम लोग अभी रूम साफ सफा किया, पूरा तकन सा गया गाइस। और ड्यूटी से आके दोनों मिलके जया और मैं मिलके पूरा रूम सफा किया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, किचन देखो, किचन किचन भी एकदम सफा हो गया। ऐसे सफा करते हुए होम निंजा खाली सिटिंग रूम दिखाती हूँ गाइस। आज बेडरूम भी दिखाती हूँ, बेडरूम लोगों को बेडरूम दिखाती हूँ गाइस। ये है बेडरूम, हम लोग नीचे का सफा किया और ये सफा किया। बेडरूम ज़्यादा अच्छा नहीं है गाइस, फिर भी दिखा रही हूँ। ये है बाथरूम गाइस। और इधर पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग लगाना पड़ेगा। हम लोग मना किया है, पेंटिंग मत दो, इधर रंग मत दो। ये हमारा सोफा है गाइस, इधर ही सोते हैं हम लोग। ये टेबल है, चेयर पढ़ाई करता है। ये सब क्लीन करना पड़ेगा गाइस। ये सब अभी क्लीन नहीं हुआ है पूरा तरीके से। और मैं ये आज रेसिपी स्पेशल चटनी बना के खाएंगे आज का वाला। ये मैं कल से भिगा के रखा है। ये जो बगल है ये सिल जाने के लिए, एकदम नरम होने के लिए मैं भिगा के रखा है गाइस। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहे ना, मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। जब ड्यूटी से आया तभी ये ड्रेस से मैं अभी हवाली सारा काम किया, पूरा झाड़ू मारा, पोछा मारा। अभी भी रूम का सफा करना पड़ेगा। अभी सब क्लीनिंग नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। अभी क्लीनिंग करके आप लोगों को मैं अच्छा अपनी रेसिपी कैसे बनाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। विथ ड्राई पीस और टोमेटो, कुछ क्या क्या देते हैं पता नहीं, देखते जाओ ब्लॉग में बने रहो गाइस। तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मैं ड्रेस चेंज किया। हम लोगों का रूम है, पहले लेता है मालिक ने 7500 और करेंट बिल, इलेक्ट्रिक बिल एक्स्ट्रा और पानी पानी बिल देना नहीं पड़ता है गाइस। लेकिन अभी मालिक ने 500 बढ़ा दिया है, अभी 8000 देना पड़ेगा गाइस। आज क्या, और जनवरी से 8000 देना पड़ेगा गाइस। दिसंबर का मालिक 7500 लिया है, अभी 8000 से रहेंगे ये रूम। पता नहीं रहेंगे कि नहीं, पैसा मैनेज होगा कि नहीं, वो अभी मालूम नहीं है गाइस। जैसे भी हो मैनेज करना ही पड़ेगा। मेरा इधर से रूम से मेरा जो काम है ऑफिस है वो नज़दीक होता है, और जया का कॉलेज भी नज़दीक होता है यही रूम से। लेकिन रूम 8000 हो गया गाइस, रहेंगे कि नहीं मालूम नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना रहेंगे कि नहीं गाइस। रूम तो अच्छा है, गर्म दिन में भी बहुत ठंडा है गाइस, और ठंडा दिन में भी अच्छा है रूम। और कोई कोई रूम तो बहुत गर्मी है गाइस, ऊपर फ्लोर बहुत गर्मी होता है। हम लोग सेकेंड फ्लोर में रहते हैं, हमारा रूम एकदम ठंडा होता है गाइस। मैनेज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे बाजार में बहुत सेफली खाना पड़ेगा गाइस। इधर उधर पैसा मत खर्चा करो, वही होगा। खर्चा करने से रूम का पैसा दे नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए थोड़ा एकदम कंजूस से रहना पड़ेगा गाइस, तभी होगा। हम खाली 2 जन हैं जया और मैं, अभी 8000 कर दिया और इलेक्ट्रिक बिल एक्स्ट्रा। कम से कम 9000 तो होगा ही, 9000 8500 होगा। दोस्तों ये है अस्का रेसिपी। मैं ये बगल जो है मैं अभी ये सिल लूँगी। यही सिल ब्लॉक में बने रहो गाइस, स्किप मत करो। ये देखो एकदम स्वादिष्ट है। कुछ दिन बैलतोला बाजार से हम लोग का ये हो गया गाइस,
सब देखो, ये मैं टुकड़े टुकड़े करूंगी छोटा छोटा, और ये बॉईल करूंगी और सलाद बना के खाएंगे, चटनी बना के, ड्राई पीस, ऐसे ड्राई पीस ही खाएंगे गाइस। सब लोग के बन रहे ना, ऐसे करती हूँ। फिनिश हो गया गाइस, देखो एकदम ये एकदम छोटा छोटा टुकड़े किया मैंने, और ये अभी बॉईल करूंगी और ड्राई पीस आग में चलाऊंगी गाइस। तो ब्लॉग में बने रहना, देखो। तो दोस्तों मैं पानी बॉईल किया है, इधर मैं चौथा दूंगी। ये हिंदी में इंग्लिश से क्या बोलता है मालूम नहीं गाइस, आप लोगों को मालूम होगा तो जरूर कमेंट में बोल देना ये क्या बोलता है गाइस। ये बॉईल कर रही हूँ मैं गर्म पानी, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी में भिगा के रखूंगी, थोड़ा नरम होने के लिए, खाने के लिए अच्छा होगा नरम होने से। तो ये ड्राई पीस देख रहे हो, ये ड्राई पीस में जलाऊंगी अभी। ये अलग सा वैरायटी है गाइस, जो हम लोग रोज खाते हैं सीरो, वो अलग सा वैरायटी है, वो मछली से बनता है, ड्राई पीस बोलता है गाइस वो भी, लेकिन ये अलग सा वैरायटी है, ये काली सूखा वाला खाता है। मैं अभी ये जलाऊंगी आग में। देखो इधर, ये इसे जलाऊंगी और टोमेटो दूंगी और मिर्ची दूंगी, ऐसे खाएंगे गाइस, एकदम मजेदार होगा। तो दोस्तों फाइनली ड्राई फिश हो गया, ये देखो, ये मैं अभी ऐसे करूंगी, एकदम फ्रेश होगा। ऐसे करने से एकदम टुकड़े टुकड़े छोटा छोटा करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे और दो के पूरा एक साथ मिक्स करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहो, देखो गाइस। नोटिस में तो पता ही होगा ऐसे खाता है, लेकिन कोई लोग पता नहीं गाइस, उन्हीं को बोल रहे हो मैं। तो मैं ड्राइंग्स को ऐसे टुकड़े किया गाइस, ये मैं भिगा के अच्छे से धो के मिक्स करूंगी। तो दोस्तों ये चटनी रेडी हो चुका है, मैं अभी इधर मिक्स करूंगी। तो दोस्तों हम लोग अभी टोमेटो देंगे, इधर मिक्स करेंगे, दे दो। चटनी इधर रेडी हो गया गाइस, ये काले मिक्स करेंगे, मिक्स करने से एकदम टेस्टी से खाएंगे गाइस। इधर और नमक देना पड़ेगा, सब मिक्स किया हम लोग, ड्राई फिश और मिर्ची सब कुछ दिया गाइस, पहले ये मिक्स करेंगे नमक। पानी लाओ, हो चुका है गाइस एकदम गरम गरम, देखो हम लोग सूखा सूखा ही खाते हैं। और ये हमारा स्पेशल तो है रे, कैमरा मैन नहीं है, कहाँ रखो, एक हाथ से चलाना पड़ता है गाइस, एकदम टेस्टी होगा देखो गाइस ये। बहुत टेस्टी है गाइस, गांव में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बहुत महंगा है। फिर जो है गाइस मिजोरम से बेच देता है। हम लोग अभी डिनर करेंगे, आजकल ये बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट।